मधेपुरा थाना क्षेत्र अंतर्गत बेलहा घाट वार्ड नंबर 4 में मामूली विवाद के दौरान गोली चली है, जिसमें एक व्यक्ति गंभीर रूप से जख्मी हो गया। मिल रही जानकारी के अनुसार शाम में सदर प्रखंड के साहूगढ़ निवासी पीयूष नामक युवक से बेलहा घाट के बिजल मुखिया की मामूली नोकझोंक हुई थी, लेकिन उस समय वहां देख लेने की धमकी देते हुए वहां से चला गया था। वहीं रात में लगभग 9 बजे के आसपास पीयूष फिर उसके घर के पास आकर धमका और बिजल मुखिया के ऊपर उसने 3 गोलियां चलाई, जिसमें से एक गोली मुखिया के कंठ में जा लगी। स्थानीय लोगों ने गंभीर रूप से घायल बिजल मुखिया को सदर अस्पताल मधेपुरा पहुंचाया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने उसे जन नायक कर्पूरी ठाकुर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया है। वहीं सदर थाना अध्यक्ष सुरेश कुमार ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। पहले भीड़ लागल रहे ना, पढ़ के लग जा निकले कोचिंग से, तो पप्पा कहल कथी लते भीड़ लगबे छ, तो हम कहल कथी लते नटंगी कर, पप्पा कहल कथी लते नटंगी कर छ तू अते भीड़ में, अत चल आदमी का बात कहल पप्पा के, ओ कहल कि से हमरा एक था अपन नशे लगा दे बतनी उमर भाई जी ले कहल कि ए किया तू एना बोले छ, अतनी को बात भेल और कुछ कहल कि साँच के आप झेल तो अल न सीधा गोली मार दल के कंठे में के पीयूष सोगढ़ के कोई बात रहे ओकरा से बात भेल रहे पहिने से कोई कोनो बात नहीं भेल पढ़ के लड़की आ निकले कोचिंग से बहुते भीड़ भैल तो कल के भाई जी तू चल जाना तो अतनी को बात भेल तो हम कहल कि तू कथी नटंगी करे पप्पा के कहलिए हम अतनी को बात तब कहल कि सीधा से साँच के आप झेल तो अल सीधा गोलिए मार दल के कैटा गोली मार लगे 3 गो गोली मार लगे तो एगो लग गए अत देखिए हम यहाँ पर गए थे ताला मार के ढड्ढी में खाना खाने के लिए गए थे, वो आदमी 3 आया, एक दो मक्स लगा रखा था और उसके दिमाग में क्या क्या था नहीं मुझे पता, वो मेरे मामा जी से बिजल मुखिया से क्या बकवास किया नहीं किया, वो थोड़ा साइड में मामा को बुला लिया, बुलाने के बाद वो क्या किया, हम ढड्डी में ताला मार के चल गए खाना खाने के लिए। जब तक मैं खाना खाने के लिए जा रहे थे तब तक मैं गोली का आवाज़ सुने तो मैं खाने पर से उठ के उसको पकड़ने के लिए दरबर दिए तो मेरे पे भी एक फायर किया था, फायर करने के बाद वो मेरा मामा का बड़का मामा का बेटा राजन नाम है वो भी उसके पीछे पड़ गया, फिर से वो दोबारा